अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने दो ड्रेसेस जो कि मैं शादी के लिए सोच रही हूँ कि मैं कौन से वाले पहन के जाऊँ। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मुझे कौन सा वाला ड्रेस पहनना चाहिए। या तो मैं ये वाला पहनूंगी, ग्रीन वाला, इसमें जो इसके आगे से शॉर्ट सा है और पीछे से इसकी टेल है। इसको ऐसे उठाया हुआ मैंने कि इसकी टेल जो है वो नज़र नहीं आ रही, लेकिन इसकी काफ़ी टेल है। और ये जी इसके ऊपर काम हुआ हुआ है, ये कटदाना लगे हुए हैं सारे इसके ऊपर मोती, और ये इसके ऊपर नग हैं, और ये सारे जो हैं वो ग्लू वगैरह से लगे हुए हैं। बाकी इसके नीचे वाले सारे जो है ना उसमें हुआ है शीशे का काम भी साथ में। और ये इसका बॉर्डर है, और इसकी जो स्लीव्स हैं, गला जो है वो इसका राउंड है साइड से, जो ज़्यादा बड़ा होता है वो उस तरह से। और ये जी इसकी स्लीव्स हैं, स्लीव्स में इसके कलियाँ पड़ी हुई हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कलियाँ डाल के बड़ा नहीं किया हुआ लेकिन पड़ी हुई हैं कलियाँ। और इसके अलावा जो इसका ट्राउज़र है वो इसके साथ का ही जो सिल्क है, जो इसके अंदर शाइनिंग वाला सिल्क लगाया है, उसी का ही ट्राउज़र है। तो ये है जी ट्राउज़र, ट्राउज़र में भी ऐसे ही जो है ना काम हुआ हुआ है इस तरह। और आगे वाली साइड पे नग लगे हुए हैं, पीछे वाली साइड पे नहीं है, आगे वाली साइड पे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा खुला ट्राउज़र नहीं है, कैप्री टाइप है, कैप्री की तरह की शेप है इसके नीचे से। अच्छा, और ये इसका नेट का दुपट्टा है, नेट में जो है वो शॉवर हुआ हुआ है नग का, दरमियान में इस तरह से दूर दूर शॉवर हुए हुए हैं नग, ठीक है। और ये जी इसका है पैच, चारों साइड्स पर है। और उसके बाद जो मेरा सेकंड ड्रेस है वो ये है ब्लैक में, इसको मैं सीधा करती हूँ। ये है जी ड्रेस, यहाँ पे इसका जी अच्छा सा काम हुआ हुआ है, ये मैंने खुद स्टिच करवाया था और वो वाला मैंने रेडीमेड लिया था। ये इसका जी हुआ हुआ गले के ऊपर काम, और ये इसका सारा जो है वो नीचे तक है। ये मैंने ओपन शर्ट सी सिलवाई थी, शॉर्ट शर्ट, और ये इसके आगे डिज़ाइन है। ये सारा जो है ना इसके अंदर ये कट वर्क है, ये वाला बीच में से कट वर्क हुआ है। और ये इसकी बाजू हैं, इसकी बाजू जो है कोई कली शली नहीं है लेकिन खुली बाजू है इसकी। और इसका ये ट्राउज़र है, जो इसका ट्राउज़र है ना वो शरारा है, ये यानी जैसे होता है ना लहंगा टाइप लग रहा होता है फिर ये पहना हुआ, ये इसका इतनी चौड़ाई है और इस तरह से। और ये इसके ऊपर मोतियों की चार चार लेयर्स दोनों साइड्स पर बनती हैं। ये मैंने खुद स्टिच करवाया था, इसमें कपड़ा मिला था हमें साथ में नेट का ट्राउज़र के लिए, और ब्लैक वाला जो है वो नीचे लगाया दोनों में इनर। और इसका जो दुपट्टा है वो ये है, चेक में है इसका दुपट्टा, इस पर भी नग और कढ़ाई शॉवर है। और ये है इसका जो स्टार्ट यहाँ जो है ना बॉर्डर जो आता है ना दुपट्टे का, वो ये वाली चीज़ है ये। और यहाँ से इसको हुआ हुआ है कट है, और मोतियों के साथ ये जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से है ये। तो ये भी बहुत प्यारा है। तो अब आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं इन दोनों में से कौन सा वाला ड्रेस पहनूं, और इनके साथ जो शूज़ हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं कौन से वाले पहनूँ, वो भी मुझे ज़रूर बताएं। और अभी मैंने इनके साथ ज्वेलरी भी सिलेक्ट करनी है, तो मैं वो भी निकालती हूँ और आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ कि मैंने किसके साथ क्या चीज़ पहनने का सोचा हुआ है। और कल मैं अपना दूसरा व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिसमें मैं आप लोगों को अपना जो फाइनल लुक है वो दिखाऊँगी, ड्रेस कैसा लग रहा है। और व्लॉग कमल एंड अस का व्लॉग चैनल के ऊपर लाजमी देखिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें मैं इसकी ज्वेलरी वगैरह निकालती हूँ और फिर आप लोगों के साथ वो भी शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस ब्लैक वाले के साथ मैंने सोचा हुआ है कि मैं ये वाला पहन लूँ, सिल्वर वाला शूज़, क्योंकि मेरा शूज़ ही पहनने का मूड बन रहा है। और ये जो मेरा है ग्रीन एंड गोल्डन, इसके साथ मेरा मूड बन रहा है कि ये कैमल कलर के जो शूज़ हैं ये पहन लूँ, क्योंकि हैं ये वाले मेरे मैट में है, वो मेरा शाइन में है। लेकिन अब जौन सा भी मैं दोनों में से पहनती हूँ उसकी लुक मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूँगी, लाजमी देखना। और दोनों में से कौन से वाले पहनूँगी, शूज़ या जो भी चीज़, तो आप लोग मुझे बताइएगा। और एक और जो मज़े की चीज़ हुई वो क्या थी कि आप लोग देख सकते हैं ये वाला मेरा प्रेस नहीं हुआ हुआ, और वो वाला मैंने प्रेस करवा लिया था।
आज मेरी काम वाली आंटी आई, मैंने उनसे ये वाला ड्रेस प्रेस करवा लिया, मैंने कहा मैंने यही पहनना है। थोड़ी देर बाद अभी वो गेट से निकली ही थी कि मेरा मूड चेंज हुआ, मैंने कहा नहीं यार मुझे शायद मुझे ना ब्लैक वाला भी ट्राई करना चाहिए, तो मैं देखती हूँ अब कौन सा वाला पहनूँ। अगर मैंने ये पहना तो मैं इसको खुद ही फिर प्रेस वगैरह करूँगी, और फिर इसकी प्रेसिंग जो करवाई है वो तो फिलहाल के लिए तो वेस्ट है, कल के लिए तो फिर वेस्ट हो जाएगी। लेकिन बहरहाल चलें, अब मैं आप लोगों के साथ ज्वेलरी शेयर करती हूँ कि मैं कौन सी वाली पहनने लगी हूँ। अच्छा जी फ्रेंड्स, मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी ज्वेलरी की कलेक्शन, कुछ जो मैंने निकाली थी कि मेरा मूड बन रहा था कि मैं ये पहनूँ, तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ दोनों के साथ रख के। आप लोग मुझे बताइएगा कौन सी वाली जो है वो ज़्यादा सूट करती है। वहाँ पे जी इसका मैडम जाग चुकी हैं और उन्होंने अपने काम जो है वो शुरू कर दी है, लैपटॉप को ख़राब करने वाली है बिल्कुल, क्योंकि उसको वो ओपन नज़र आ गया है। तो इसको मैं करती हूँ पहले बंद। अब जी यहाँ से मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये तो खैर जो मैंने असका करी चीज़ें लाई हैं वो तो मैं साइड पे कर देती हूँ। अच्छा, अगर मैं सिल्वर में स्ट्रॉलर किया मैंने, तो स्ट्रॉलर के ऊपर मैं ये कर लूँगी, और अगर मैंने जूड़ा किया तो मैं जूड़े के ऊपर भी इसको लगा सकती हूँ। आपको नज़र आ रहा है ना ये वाला, ये चीज़ यहाँ से सीधा है, ये पता नहीं कहाँ से सीधा है, समझ नहीं आ रही। बहरहाल ये मैं ट्राई करूँगी अगर तो मैंने जूड़ा किया तो। और इसके अलावा अगर मैंने स्टॉलर किया तो फिर तो मैं ये वाला नेकलेस नहीं पहनूंगी, जाहिर है ये मेरा नेकलेस है, लेकिन मेरा मूड बन रहा है कि मैं नेकलेस ना ही करूँ। वैसे तो ये बिल्कुल गले के साथ ऊपर ऊपर चिपका चिपका नेकलेस है, लेकिन मेरा मूड बन रहा है कि मैं ना पहनूँ, क्योंकि मेरे गले में भी एक किस्म का वो नेकलेस टाइप ही है। तो फिर उसके अलावा मैं, या अगर मैंने ये ना पहना तो फिर मैं ये वाला, मेरा मूड है कि मैं अगर वो वाला सेट ना पहना, पहले तो मैं पहन के देखूंगी कि कौन सा वाला सूट करता है। अगर मैंने ना पहना तो फिर मैं ये वाले जो मेरे हैं ना झुमके टाइप, ये मैंने न्यू लाए हैं, तो मैं ये वाले ट्राई करूंगी। और इसके साथ रिंग मैं एक बड़ी और एक छोटी करूंगी। अगर तो मैं ये वाला ड्रेस पहनती हूँ तो करनी ही मैंने बड़ी और एक छोटी करनी है। तो आप लोग मुझे बताएं कि अब आप लोगों को क्या लगता है कि मैं नेकलेस करूं या ना करूं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ से जी मैं ये वाला जो है सोच रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा कि ये गोल्डन के साथ इसका टच है, तो ये जो है वैसे अगर मैं कुछ भी ना पहनूँ ना इन ड्रेस के साथ, क्योंकि ये बहुत हैवी है काम वाला है, तो फिर मैंने कहा कि मैं इसके साथ सिर्फ कोई इयररिंग्स पहनूंगी जो ना बिल्कुल डिसेंट से होंगे। अजगर जो है ना वो लगी हुई है चीज़ों के साथ, उसको बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है हर चीज़ को छेड़ने का। जो एक्स्ट्रा की ज्वेलरी है ना वो सारी मैं पहले बीच में डाल देती हूँ, और आप लोगों के साथ जल्दी ही मैं अपनी जो बाकी की ज्वेलरी है उसकी भी शेयर करूँगी, जो भी मेरा हो रहा होगा। अच्छा, इसके साथ वाइट वाले के साथ मैं ये वाले भी सोच रही थी, लेकिन फिर मेरा माइंड नहीं बना इनकी तरफ, क्योंकि ये ना थोड़े लंबे लंबे से हैं, मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, मतलब उठ नहीं रहे ना, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे, पहन के तो खैर नहीं चेक किए लेकिन फिर भी मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये नहीं उठेंगे। और अगर तो मैंने नेकलेस पहन लिया इस ड्रेस के साथ, तो फिर उसके साथ ये वाले झुमके हैं, तो मैं झुमके नहीं पहनूंगी, सिर्फ नेकलेस पहनूंगी अगर मैंने नेकलेस पहना तो। लेकिन ये ना बिल्कुल ही इसके साथ मैच है, क्योंकि देखें जैसे इसमें ये वाले बीट्स हैं वैसे ही इसमें भी बीट्स हैं। तो अब मैं देखती हूँ पहन के, अगर तो सूट किया नेकलेस तो ठीक है, ना किया तो फिर नहीं पहनूंगी, क्योंकि उसका सारा कुछ छेड़ ही है। तो मैं पहले ये सारी चीज़ें पैक कर लेती हूँ। उसका छोड़ दो बेटे, मुझे दे दें, गिव मी, ये सारी मैं पहले पैक कर लूँ, इसको मैं बंद कर देती हूँ वरना इसने निकाल निकाल के सारी चीज़ें ख़राब कर ली हैं। अच्छा, यहाँ से जी मैं सोच रही थी रिंग, अगर तो मैंने ये वाला ड्रेस पहना तो इसके साथ, क्योंकि मल्टी कलर हैं बीच में, तो मैं ये वाली रिंग भी अगर ट्राई करूँ तो बुरी नहीं लगेगी। और दूसरा मैंने कहा कि अगर मैंने इसके साथ झुमके किए तो या तो ये वाले कर लूँगी, ये भी बिल्कुल मेरे लाइट से हैं, या फिर ये वाले कर लूँगी जो मेरे इसमें लंबे वाले हैं। ये वाले हैं तो सही मैच, कलर तो बहुत अच्छा मैच करता है, लेकिन ना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फैंसी ड्रेस है, तो मैं कुछ भी बहुत हैवी सा करना नहीं चाह रही, नेकलेस तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर तो मैंने स्टॉलर किया तो उस ना किया तो उस सूरत में मैं झुमके पहनूंगी, अगर मैंने स्टॉलर किया तो फिर तो झुमकों की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, अब अगर तो मैं इसमें कर लेती हूँ स्टॉलर, तो फिर तो मेरे कोई झुमके कुछ भी मैंने नहीं पहनना, स्टॉलर भी नहीं पहनना। ये वाले भी मैं इसमें ट्राई कर सकती हूँ सिल्वर में, ये भी मेरे बिल्कुल लाइट से वेट के हैं, बहुत लाइट। अच्छा, तो फिर उस सूरत में मुझे, स्टॉलर की सूरत में मुझे सिर्फ अपनी बाजू का और उसका करना है, रिंग्स वगैरह का करना है। रिंग्स तो मैं आपको इसकी तो बता चुकी हूँ, उस पर मैंने वो वाली रिंग सोची हुई थी,
और अगर मैंने मजीद मैचिंग की तो मैं ये वाली करती, तो दोनों में पर्पल ही पहनूंगी। और अगर मैंने छोटी रिंग का सोचा तो फिर उसमें मेरे पास कुछ गोल्डन की कलेक्शन है थोड़ी सी, वो कर लूँगी। और बाजों में या तो ये करूँगी, सॉरी मेरे रिकॉर्डिंग में आई नहीं, ये दो मेरी रिंग्स थी जो मैंने कहा कि मैं कर लूँगी, और ये वाले जो है ना मैंने कहा था कि मैं ये वाला ब्रेसलेट पहन लूँगी अगर मैंने बाजों में पहना तो। और अगर मैंने वो वाला ब्रेसलेट ना पहना तो ये वाला ट्राई करके देखूँगी। वैसे ये मैं लेकर तो आई थी, लेकिन ये मुझे ना काफ़ी हैवी से लग रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ना हैवी वाला हैवी लुक आ जाएगी, मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती हैवी लुक। तो फिर मैं इस वजह से अगर ये मैंने अगर ज़्यादा हैवी हो रहा हुआ तो फिर मैं ये नहीं पहनूँगी, फिर मैं सिर्फ ये वाला पहन लूँगी जो कि मेरा बिल्कुल ही छोटा सा डिसेंट सा है ये वाला। तो ये मैंने सोचे थे क्योंकि बिल्कुल ही मैचिंग है, इवन के कपड़ों के ऊपर पड़े हुए भी नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, उसके बाद इसके लिए मैंने ये वाला सोचा था और साथ में मैंने ना बैंगल दे, क्योंकि ये इसकी मेरी बाजू बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेस नहीं लगता ये, वैसे है से लेकिन अगर पहनो तो, क्योंकि इसका ट्राउज़र भी बिल्कुल ब्लैक सिंपल है तो फिर इसलिए ये इतना हैवी नहीं लगता। तो ये इसके साथ मैंने सोचा था ये पहन लूँगी। और इसके अलावा मेरे पास थी बैंगल्स हैं बिल्कुल सिल्वर कलर की, वो भी मुझे मिल नहीं रही तो वो भी मैं ढूंढूंगी, वो पहनूंगी। लैशेज में ये वाली लाई हूँ बिल्कुल जो ना हल्की हल्की सी लैशेज हैं, बिल्कुल ओरिजिनल वाली लुक देती हैं। वैसे तो मेरी अपनी भी अच्छी हैं लेकिन फिर भी मैं ले आई हूँ। और एक ये वाली, इनको मैंने थोड़ा आगे से काटा था, ये मेरी बहुत ज़्यादा बड़ी थी तो इनको मैं ट्राई करूँगी। तो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अज़का का ड्रेस, जो कि मैंने सोचा है कि मैं अज़का को क्या पहनाऊँगी तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अज़का के लिए मैंने बिल्कुल ही डिसेंट सा ड्रेस अज़का के लिए पसंद किया है ये वाला, और बस मोती लगे हुए हैं और नीचे इसके ये शाइन है और बाकी जो ये नेट है इसमें, और ये इसके साथ है इसका हेयर बैंड। लेकिन मैं, मेरा मूड नहीं हो रहा हेयर बैंड पहनाने का, अगर तो मैंने इसे हेयर बैंड बनाया तो ठीक है, ना पहनाया तो मैंने इसके लिए लाई हैं पोनिया, वो मैं इसको करके ऊपर पिने लगाऊंगी, जो कि वाइट पोनिया करके ऊपर ये वाली वाइट पिने लगा दूंगी तो ये अच्छी लगेंगी इसकी पोनी के साथ, क्योंकि अज़का के बाल माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छे हैं तो मैंने इस वजह से सोचा कि मैं इसकी ना पोनी करती हूँ इस बार। और साथ में इसके, क्योंकि जो ट्राउज़र है उसका स्टफ़ बहुत ज़्यादा पतला है तो मैंने सोचा कि इसको ट्राउज़र के बजाय लेगी पहनाती हूँ, मैं इसकी लेगी लेके आई हूँ। ये जी मैं अज़का की लेगी लेके आई हूँ और लेगी मुझे बिल्कुल सिंपल में नहीं मिली, ये स्टार साथ में मिला तो मैंने कहा चलो कभी किसी और ड्रेस के साथ भी पहनाई जा सकती है लेकिन बुरा नहीं लग रहा, अच्छा लगेगा। और ये साथ में मैं इसके शूज़ लेकर आई हूँ, शूज़ भी मैंने बिल्कुल सेम कलर के नहीं लाए क्योंकि आपको मैंने बताया कि मेरा दिल होता है कि ना थोड़े ऐसे हों। अभी जी अज़का तंग कर रही थी तो मैंने अज़का को ये लाइट लगा के शूज़ दिखाए तो अज़का बिल्कुल चुप हो गई है। और ये इधर से दबाते हैं इसका ना ये बटन जो है वो बिल्कुल पीछे जहाँ पे बच्चे का प्रेशर पड़ता है वहाँ पे लगा हुआ है। और अज़का कह रही है वाओ, अज़का वाओ वाओ ना वाओ वाओ, ये ना देखिए शूज़। और इस लेगी के साथ फिर बस ये वाले मैं शूज़ लेकर आई हूँ क्योंकि शूज़ में जो है ना कलर ये वाला आ रहा है, इसमें जो ग्रीन ग्रीन सा है ना तो उससे मैच कर रहा है थोड़ा बहुत। तो पहने हुए मैंने ऐसे रख के देखा, मैंने कहा अच्छा लगेगा, नॉट लुकिंग बैड, बहुत अच्छा लग रहा है बल्कि। तो ये मैं अज़का को कल के लिए पहनाऊँगी। तो अपनी जो भी लुक होगी, अज़का की जो भी लुक होगी, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।